हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी नोज़ल बैकलेस हमने ली तो एक नोज़ल इतनी ख़राब थी कि एक मिनट के अंदर आधा लीटर डीजल भरा गया, बोतल के अंदर भरा गया। देख लीजिए आपके सामने छः रिटर्न पाइप से छः पाइप निकाल रखी है, वो छः नोज़ल छः इंजेक्शन में रख रखी है, उसमें से एक इंजेक्शन 5 सेकंड के अंदर पूरा भरा जाएगा। ये देखिए आपके सामने 5 सेकंड के अंदर ये पूरा इंजेक्शन भरा गया। फिर इस पाइप का वापस डीजल लेने के लिए एक बोतल, बिस्लेरी की जो बोतल होती है उसके अंदर लिया। ये देख लीजिए, 1 मिनट का ये जो वीडियो है आइडल के अंदर चेक किया है। डीजल बैकलिस्ट चेक करते हैं, जैसे गाड़ी एवरेज नहीं देती है तो ये चीज़ चेक करते हैं, डीजल कितना दे रही है, डीजल रिटर्न पाइप में डीजल कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है, डायरेक्ट हो रही है नोज़ल, तो नोज़ल ख़राब है। तो इसमें देख लीजिए, घेर की तरफ से इसको फर्स्ट नोज़ल मानते हैं, तो थर्ड नंबर नोज़ल इसमें डायरेक्ट हो रही है। 5 सेकंड के अंदर इंजेक्शन भरा गया और 1 मिनट के वीडियो के अंदर इसकी आधा लीटर से ऊपर डीजल बोतल में लिया। ये देख लीजिए, सभी रिटर्न पाइपों को इंजेक्शन में रख रखा है और एक रिटर्न पाइप को बोतल में रख रखा है। और ये बैकलेस कहाँ से ली जाती है, डीजल रिटर्न पाइपलाइन जो होती है वहाँ से 6 टुकड़े लगाए जाते हैं, इससे इसको पूरा लिया जाता है। देख लीजिए 1 मिनट के वीडियो में पूरा इसके बैकलेस कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो डीजल रिटर्न पाइपलाइन होती है उसको निकाल के उसकी जगह 6 टुकड़े पाइप के लगाए जाते हैं और इंजेक्शन के अंदर लगाए जाते हैं। इंजेक्शन के अंदर मिलीमीटर के हिस्से इसको डीजल उसमें में लेते हैं और इसको चालू करते हैं आइडल में। चालू करने के बाद 1 मिनट में कितना डीजल आता है, उससे कितने इंजेक्शन भराते हैं उससे पता चल जाता है। एक नोज़ल डायरेक्ट हो गई तो हम उसको चेक करवाएंगे, पूरा वीडियो आपको आगे बताऊंगा।